पोस्ट देखी उन पे म्यूजिक ऐड हो रखा था, उससे उनकी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा हाई जा रही है। रील्स ज्यादा पोस्ट करनी चाहिए या फिर फोटो, आपको एक्स्ट्रा शार्पनेस ऐड करनी है, इतने सारे लाइक्स इनके दोनों अकाउंट की रीच बढ़ेगी। शेयरेबल कंटेंट होता है बिकॉज लोग उनको ज्यादा शेयर और सेव करते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में चेंजेस किए गए हैं, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे जिससे आपका अकाउंट ग्रो हो सके। तो एक बार आपको एल्गोरिथम समझ जाता है उसके बाद में आप इजिली इस गेम को खेल सकते हो। इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कुछ महीनों पहले इंस्टाग्राम ने सारा फोकस जो अपना सारा एंगेजमेंट सारा ट्रैफिक रील्स की तरफ भेज दिया था, और ये बात एडम म्यूसरी ने खुद बोली है कि 2022 के अंदर हमने ओवर फोकस कर दिया था रील्स पर, लेकिन अब से फोटो और वीडियो दोनों को बराबर एंगेजमेंट दिया जाएगा, बराबर ट्रैफिक दिया जाएगा। और अब कोई फोटो भी पोस्ट करता है तो उसको भी उतना ही रैंक करवाया जाएगा जितना कि रील्स को करवाया जा रहा है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाता हूँ जिन पे एक पे तो 1.5 लाख लाइक है और एक पे 8 लाख प्लस लाइक्स है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1,41,312 लाइक्स है और इनके सेव्स भी खूब सारे जैसे आप देख सकते हो, और यहाँ पे इस वाले के 8,06,249 इतने सारे लाइक्स इनके आए। तो भाई सवाल यहाँ पर ये आता है अब कि भाई हमारे को रील्स ज्यादा पोस्ट करनी चाहिए या फिर फोटो। तो भाई तुम्हारे को दोनों ही बराबर पोस्ट करना है। जब भी आपको फोटो पोस्ट करनी है तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर कैप्शन लगाना है, फोटो पोस्ट करने के बाद में उसमें एक्स्ट्रा शार्पनेस ऐड करनी। जब भी आप फोटो पोस्ट करो उससे पहले आपको एक्स्ट्रा शार्पनेस ऐड करनी है, उसके बाद में रेलेवेंट हैशटैग लगाने हैं। रेलेवेंट हैशटैग यूज करने हैं आपको 5 से 15 के बीच में, ज्यादा ओवर नहीं करना है, कॉपी पेस्ट को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सिंगल पोस्ट डाल रहे हो तो आपको उसको म्यूजिक लगा के पोस्ट करो। आपने जो भी दोनों पोस्ट देखी उन पे म्यूजिक ऐड हो रखा था, उससे उनकी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा हाई जा रही है। या फिर आपको बहुत सारी पोस्ट आप कर सकते हो, अगर आप 5-6 फोटोज या 4-5-6 फोटोज डाल सकते हो तो आपको क्राउजल में डाल सकते हो उसको, तो वहाँ पे स्वाइप करके देखते हैं तो वहाँ पे एक हाई एंगेजमेंट हमारी फोटोज को मिलता है। ये चेंजेस है जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में आया है। और एक चीज जिस पे इंस्टाग्राम इस टाइम सब में ज्यादा एंगेजमेंट दे रहा है वो है कोलैबोरेशन पोस्ट। आपके अपने फ्रेंड लोगों के साथ में आपको कोलैब करना चाहिए, जिससे क्या होगा आप जब उसको कोलैबोरेशन पोस्ट में डालोगे तो उससे दोनों अकाउंट की रीच बढ़ेगी। और अभी इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में एक चेंजेस और आया है कि आपको जो है खुद का कंटेंट आपको पोस्ट करना है, और अब फालतू के कंटेंट वायरल नहीं होंगे, आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए और हो सके तो आपका खुद की वॉइस के अंदर कंटेंट होना चाहिए। तो आपने देखा होगा अभी काफी लोग जो है खुद की वॉइस के अंदर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और उनका अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो भी हो रहा है। तो अभी रिसेंटली मैंने भी अपना खुद का टिप्स वाला अकाउंट बनाया है जिसपे मैं खुद का ओरिजिनल कंटेंट और खुद की वॉइस के अंदर मैं पोस्ट करता हूँ, जिसे अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए और मैंने उसपे लगभग 6-7 वीडियो पोस्ट करा है जिसमें से मेरी 3 वीडियो वायरल भी हुई है। और इस तरह के कंटेंट जो होते हैं वो शेयरेबल कंटेंट होते हैं बिकॉज लोग उनको ज्यादा शेयर और सेव करते हैं। तो गाइस आई होप आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे मेरा यूजर आईडी भी आ रहा होगा। तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।